सुबह के 9:30 बजे हैं और हम लोग आखनसी के एरिया में। रात हमारी काफ़ी ठीक गुजर गई, सर्दी बहुत ज़्यादा थी लेकिन फिर भी जो है ना हम अच्छी नींद सोए। अभी हम जो है ना आखनसी का एरिया एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन एक्सप्लोर करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक व्यू दिखाता हूँ। ऑन द गो इस तरह कॉफ़ी बनाते हैं, और कॉफ़ी के बगैर जो है वो दिन का आगाज मुमकिन नहीं है। तो अब हम कॉफ़ी पियेंगे और ड्राइव स्टार्ट करेंगे। हम लोग आखनसी के किनारे एक गांव है आखन किर्श, वहाँ पे हैं। तो अभी हम बाहर चल के देखते हैं कि कैसा है बाहर। वो जगह थोड़ी सी प्यारी लग रही है, उस तरफ चलते हैं। घुसकी है बर्फ और कपड़े मेरे पास है नहीं। जो पहला मेरे साथ मिसअप हुआ है उसकी थोड़ी स्टोरी जो है ना वो इंटरेस्टिंग सी है। वो ये है कि घर से निकलने से पहले मैं हमेशा प्लान बनाता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कितने दिन के लिए जा रहा हूँ और किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं। तो इस ट्रिप में मैंने ऐसे किया, प्लान बनाया कि मैं 5 दिनों के लिए ऑस्ट्रिया जर्मनी के आल्प्स में जा रहा हूँ। तो पैकिंग वगैरह मैंने सारी की, वाटरप्रूफ जैकेट, ट्राउज़र, शूज़, चराबे, अंडरवेयर, सब कुछ जो भी चीज़ें थी सब कुछ मैंने पैक करके रखी। लेकिन जब मैं सामान गाड़ी में रख रहा था तो वो सारा सामान जो मेरे लिविंग रूम में पड़ा हुआ था वो तो मैंने गाड़ी में रख दिया, लेकिन जो कपड़ों वाला बैग था ना वो स्लीपिंग रूम में पड़ा हुआ था और उसका मुझे याद ही नहीं रहा। तो यूँ जब मैं म्यूनिख पहुंचा तो देखा कि मेरे पास तो कपड़े कोई नहीं है, 0 कपड़े। जो पहन के आया वो सिर्फ वो ही है। लेकिन लकली म्यूनिख में मेरा एक दोस्त रहता है जिसके पास मैं गया और उससे रिक्वेस्ट की कि भाई थोड़े से कपड़े दे दो। उसने एक तो शर्ट है, ये एक जो अपर पहना हुआ ये उसने दिया, ठीक है। जीन्स उसके पास एक ही थी, तो मुझे लगता वो या तो भूल गया या उसने जानबूझ के नहीं दी मुझे जीन्स। तो यूँ मेरे पास एक जीन्स है जिसमें मैं गुजारा कर रहा हूँ 5 दिन। तो अभी हम जर्मनी के बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, लेट्स ड्राइव। अभी हम ऑस्ट्रिया का बॉर्डर क्रॉस करके जर्मनी इंटर हुए हैं। यूरोपीय यूनियन की खास बात यह है कि अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जितने बॉर्डर्स हैं वो इतनी आसानी से आप क्रॉस कर सकते हो। शेंजन के अंदर आते हैं मोस्टली जो, और एक हमारा मुल्क है, जौन सा मर्जी आप बॉर्डर क्रॉस करो, सीधी गोली बजनी और कुछ नहीं होना। हम लोग मित्तनवाल पहुँचे हैं, पीछे आप मेरे गांव देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। आज के दिन हमारा बहुत मज़े का गुजरा ड्राइविंग करते हुए। इधर हम नाइट स्टे करेंगे, खाना वगैरह खाएंगे। होपफुली आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।